हैं शेखर की बॉडी यहाँ से बरामद हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लड के निशान भी लगे हुए हैं और कुछ ब्लड के सैंपल यहाँ ही पड़े हुए हैं। तो जब आप देख सकते हैं जब हादसा यहाँ पर हुआ है तो आप देख सकते हैं ब्लड के निशान जो हैं वो उस कोठरी तक हैं, और सामने जो लगभग 150 मीटर की दूरी पर कोठरी है तो वहाँ तक ब्लड के सैंपल कैसे पहुँचेंगे? ठीक है, क्योंकि जब बॉडी यहाँ से बरामद हुई है तो ब्लड के सैंपल वहाँ जाने मतलब नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं ब्लड सैंपल कहाँ कहाँ तक है। एक सैंपल ये ब्लड का, और आप देख सकते हैं ये भी एक, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखो एक ब्लड का पॉइंट ये रहा, एक ब्लड पॉइंट ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर आप। तो यहाँ भी ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड ये तो जांच का विषय है कि शेखर का है या किसी और का है। एक ब्लड सैंपल ये रहा, एक ब्लड सैंपल ये रहा, आप देख सकते हैं क्लियर, ये रहा ब्लड सैंपल एक, ठीक है, एक ब्लड सैंपल क्लियर है। यहाँ भी किधर ब्लड सैंपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं से हो सकता है। एक ब्लड सैंपल ये रहा, एक ब्लड सैंपल ये है। तो यहाँ से घसीटते हुए लेके गए होंगे जहाँ तक मेरा मानना है। एक ब्लड सैंपल ये रहा देख सकते हैं आप, तो यहाँ से घसीटते हुए देखो एक ब्लड सैंपल ये भी है, देखो एक ईंट पे भी है। ये दीवार पहले जो बाउंड्री पूरी हो रखी थी उसके बाद ये दीवार तोड़ के यहाँ से लेके गए हैं। तो और देखो एक ब्लड सैंपल यहाँ भी है, आप देख सकते हैं क्लियर। आप देख सकते हैं ये रहा ब्लड। तो क्या ग्रेटर नोएडा के जो संबंधित अधिकारी हैं, जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, तो क्या उनको उनको दिख नहीं रहा है चीज़ भाई? ये चीज़ हम पत्रकार लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसके अंदर भी ब्लड के सैंपल है। ना यहाँ पे ये रहा ना साफ ब्लड है। ना ये चीज देखो यहाँ पे नाड़ का ये रहा ना यही ब्लड। देखो जी उठा के लेगा यहाँ से ब्लड सैंपल, यहाँ पे नाड़ का वो पड़ा है पुलिस वाले लेंगे। देखो ये पूरे तो थोड़ा सा हटा दो दे ये रहा ना ब्लड, ये रहा ये रहा जी। आप बात मत लगाओ, ये ब्लड ये रहा ना, मेरा ब्लड देखो आप देख सकते हो क्लियर खाली एरिया भी खाल है और दीवार पे निशान है ब्लड के, दीवार पे निशान है ब्लड के। ये देखो यहाँ पे खाल है, देखो जी ये खाल है, ये गर्दन की खाल है, आप देख सकते हैं क्लियर। जी ये गर्दन की नस है। जी जी और दीवार पे निशान भी है ब्लड के, आप देख सकते हैं स्पष्ट। जी तो यहीं पर शायद उनसे मारपीट की गई होगी शेखर से, उसके बाद यहीं से मारने के बाद, और ये दीवार पे एकदम क्लियर ब्लड के निशान है, आप देख सकते हैं क्लियर। और ये पहले खुला हुआ था, ये बंद करके यहाँ पर ही उनसे मारपिटाई की गई होगी, क्योंकि जहाँ तक आप देख सकते हैं क्लियर। क्योंकि अगर हादसा रेलवे ट्रैक पे हुआ है तो यहाँ पर ब्लड आने क्या मतलब? बहुत ब्लड था, ब्लड भरा भरा था जहाँ पे पैर है ना, वो ब्लड वहाँ पे बहुत था। तो प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं हादसे को छुपाने की कोशिश की जा रही है, एक मर्डर को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करके बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ब्लड पाया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। 3 दिन हो चुके हैं आज, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इन डंडों से उनको मारा गया होगा और ये कुछ टुकड़े हुए लकड़ी के अंश हैं। तो साफ देख सकते हैं आप ये मर्डर है, और आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक से और इस कोठरी की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे है। तो ये स्पष्ट आप देख सकते हैं 150 से 200 मीटर की दूरी पे। तो क्या वहाँ पर जी वो डंडे यहाँ पर पड़े हुए मिले हैं? अच्छा डंडे यहाँ पर, तो यहाँ पर मारने के बाद जो है उनको यहाँ पर डंडे फेंक दिए गए होंगे। तो देख सकते हैं जब हादसा रेलवे ट्रैक पे हो रहा है तो ब्लड के सैंपल यहाँ क्यों आ रहे हैं, डंडे यहाँ पर क्यों पड़े हैं, दारू की बोतल यहाँ पर क्यों पड़ी हैं, दीवार वो कैसे टूट गई है, और जूते उसके यहाँ पर मिले थे शेखर के। जूते जूते भी खून से लथपथ थे। तो रेलवे ट्रैक पे हादसे होने के बाद क्या ब्लड यहाँ पर उड़ के आ जाता है, या बॉडी यहाँ पर चल के आती है, या रेलवे ट्रैक पे हादसा होने के बाद बॉडी खुद चल के इस कोठरी में आती है, उसके बाद यहाँ से फिर चल के जाती है? और दीवार भी तोड़ दी गई यहाँ से, ठीक है, लेकिन प्रशासन के द्वारा बिल्कुल प्रशासन चुप बैठा है। और प्रशासन की बिल्कुल दिखा, प्रशासन को बिल्कुल देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दीवार पूरी बाउंड्री होगी, पहले बाउंड्री तोड़ दी गई, यहाँ के ब्लड के सैंपल डायरेक्ट पटरी तक गए। आपने क्लियर देखा है कि यहाँ से ब्लड के सैंपल और जो मर्डर स्पॉट है वो यही कोठरी है, इसी कोठरी में उनसे मारपीट की गई थी, यही कोठरी है। तो कुल मिला के साफ देख सकते हैं आप ये मर्डर है। और उसके बाद प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि भाई
आत्महत्या हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, तो क्लियर यही वो मर्डर स्पॉट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।